अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। बहुत सारे कमेंट्स देखती रहती हूँ, कभी कभार जब वक्त मिल जाता है इंस्टाग्राम पे मेरे शरीन अनवर ऑफिशियल पे या फिर फेसबुक के मेरे पेज पे, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रेसिपीज़ बनाते हो, ट्राई करते हो, अप्रिशिएट करते हो, चीज़ें आप लोगों से सही बन जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जैसा कि कल मैं आपको बता के गई थी कि आज जो हम चीज़ें बनाएंगे वो है कॉन्टिनेंटल मेन्यू है हमारा। और पता है आजकल के बच्चे जो हैं, मैं ये नोट करती हूँ कि बच्चों को घरेलू खाने, जैसे हम देसी खाने, इतने शौक से बच्चे नहीं खाते। आप कह सकते हैं 70%, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन 70% जो बच्चे हैं ना, दे डोंट लाइक देसी खाना, दे प्रिफर कॉन्टिनेंटल फूड, जैसे स्टेक्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पास्टाज हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। और जब घर में वो देखते हैं खाना कि आलू गोश्त बना हुआ है या आलू कीमा बना हुआ है या कढ़ाई बनी हुई है या कोरमा बना हुआ है, तो वो मुंह बना के फिर टेबल पे से उठ जाते हैं और फिर जाके यही होता है कि वो फाइनली कहते हैं हमें भूख नहीं है, यही होता है। लेकिन फिर जब उनको ज़्यादा इसरार करो, नहीं भूख कैसा नहीं है, भूख तो खाना तो खाना पड़ेगा, भूख कैसा नहीं है, नहीं तो हमें खाना ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वो कहते हैं कि हम डिलीवरी करवा लें, ये होता है। तो क्यों ना आप अपने बच्चों को खुद इस किस्म की चीज़ें बना के दें जो उनको पसंद आती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। अब जैसा आज का मेन्यू हमारा है ग्रिल्ड चिकन विद हेलपिनो सॉस, आप इसको स्टेक भी कह सकते हैं, ग्रिल्ड स्टेक चिकन विद हेलपिनो सॉस। हेलपिनो सॉस इसकी अलग बनेगी, स्टेक्स को मैरिनेट करूँगी, मैं तो चिकन से बना रही हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ अंडरकट, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी, मैच पोटैटो से नहीं करूँगी, बेक पोटैटो से नहीं करूँगी, फ्रेंच फ्राइज से नहीं करूँगी। आज हम आपको जो एक किस्म के आलू बताएँगे वो है ग्रैटिन पोटैटोज। आप यकीन जाने इतने मज़े के होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो आलू के साथ हम इसका फर्स्ट स्टेक सर्व होता है ग्रैटिन, मतलब किसी भी किस्म के पोटैटोज़ के साथ, तो हम ग्रैटिन पोटैटोज़ बनाएंगे, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। और जो पहली रेसिपी आज की हमारी है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मीठा, और वो है लेमन चीज़ केक पाए। बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान, मिनटों में बनने वाला, तो हम ये बनाएंगे। तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, और पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लेमन चीज़ केक पाए, ठीक है। लेमन चीज़ केक पाए के लिए आपको चाहिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स या मारी बिस्किट्स, या वीटेबल भी ले सकते हो, एनी ऑफ दीज थ्री, कोई भी एक ले लो। तो वो हम लेंगे और उसमें हम डालेंगे बटर, मेल्ट करेंगे, और बटर हम यूज़ करेंगे लूट पाक का, ऑफकोर्स बेहतरीन ब्रांड है लूट पाक, जो कि यूरोपियन ब्रांड है। यूरोपियन ब्रांड बटर, यहाँ मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, टू कप्स बिस्किट्स है मेरे पास क्रश्ड, मुझे ज़्यादा लग रहा है कुछ, मैं देख लेती हूँ। और उसमें हम डालेंगे 4 ounces ऑफ बटर लूर पाक का, सॉल्टेड ले लो, अनसॉल्टेड ले लो, स्प्रेडेबल ले लो। मैं आप देख रहे हैं लूर पाक बटर में पिछले एक साल से कंटिन्यूसली अपने शो पे, अपने घर पे, हर जगह आई एम यूजिंग दिस। दिस इज़ अ अमेजिंग बटर, अमेजिंग ब्रांड, जो कि आप अपने रोज़मर्रा खानों में, दाल के तड़के पे, सैंडविचेस पे, ब्रेकफास्ट में, बेकिंग में, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे 200 ग्राम का पैकेट है, 4 ounces इज 100 ग्राम्स, मैंने 100 ग्राम्स बटर लेना है और मैंने 100 ग्राम्स बटर लूट पाक का मेल्ट कर।
रखता हूँ। टू कप्स ऑफ बिस्किट्स क्रश्ड, 4 ounces या 100 grams ऑफ मेल्टेड लूरपाक बटर। हर जगह बहुत आसानी से ये मक्खन अवेलेबल है, चाहे छोटा सा छोटा गांव हो या बड़ा से बड़ा शहर हो, दुकान हो, हर जगह आपको लूरपाक मिल जाता है। ये हमारा हो गया। अब हम इसको 8 inches की पाई प्लेट में डाल देते हैं पायरेक्स की, ताकि हम डायरेक्ट उसी में ही सर्व कर पाए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मुझे 3 अंडे सेपरेट करने हैं। ये जो पाए है बहुत ही मज़े का, पूरा साल आप बना सकते हैं बिकॉज़ नींबू अवेलेबल होता है। और दूसरी बात यह है कि बेक्ड है, ये बेक होगा। और जिसके पास घर में अवन नहीं है, आप अवन टोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको चूल्हे पे पतीली में स्टीम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। वक्त आ चुका है इधर एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदे, देख रहे हैं हम मसाला मॉर्निंग। और पहली रेसिपी जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है लेमन चीज़ केक पाए। ठीक है, पाए का बेस हमने रेडी कर लिया है। हमने डाइजेस्टिव बिस्किट 2 कप्स लिए थे, उसमें हमने लूरपाक का 4 ounce बटर सॉल्टेड अनसॉल्टेड लेके उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद बिस्किट्स में मिक्स करके हमने उसका बेस बना दिया। ठीक है, अब हम इधर आ गए हैं, हमारे पास 3 अंडे थे, 3 अंडे को मैंने सेपरेट कर लिया है। सफ़ेदी मेरे पास है, जर्दी इधर है। पहले हमेशा सफ़ेदी को बीट कर लेती हूँ मैं, ताकि फिर इसको धोने का मसला ना पड़े। अगर पहले मैं योक्स और सारी चीज़ें मिक्स करके बनाऊँगी, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, इसको भिजवाना पड़ेगा कि भाई धो के पोंछ के दे दे, तो वाई। ठीक है ना, आजकल पानी का भी हर चीज़ का इश्यू है, तो हम क्यों रहा। एग वाइज 3 बीट हो गई, उल्टा करके देख लें, बस ये हमारी रेडी है।
ठीक है। अब दूसरे प्याले में हमने 3 अंडे की जर्दी लिए, इसमें मैं दही का मठ्ठा डालूंगी, यानी हंग कर्ड डालूंगी मैं इसमें, और हंग कर्ड है इसमें 1 कप। मैंने लिया था 2 कप दही और उसको हैंग कर दिया, तो उसमें से 1 कप निकलती है। ठीक है, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा 1 टेबलस्पून, मैदा चला गया। उसके बाद 3 अंडे की जर्दी चली गई, लेमन जूस जाएगा 3 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन पील 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बारिशों में। जी यहाँ भी आंटी बारिशें हो गई थी, लेकिन ये कि बहुत शदीद गर्मी है सखर में। यहाँ पे भी गर्मी है बेटा, क्या करें, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जी आंटी बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी क्या आप आंटी, मैंने दिल्ली वाला कोरमा बनाया था, वो बहुत अच्छा बना। ओके। और माशाल्लाह आपने इतने सारे जो मसाले सिखाए, इंशाल्लाह उनसे हम रेसिपी जरूर बनाऊंगी मैं, जरूर फिर आपको बताऊंगी। और बहुत अच्छा वीक था आपका वो ईद से पहले का, और इतनी अच्छी अच्छी आपने रेसिपीज सिखाई हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना आंटी, तो कुछ खाने का दिल नहीं जा रहा है, तो इंशाल्लाह ट्राई जरूर करूंगी। ठीक है बेटा। और मैं ये कहूंगी कि अल्लाह करे आपकी ये सुबह, ये दिन, ये हफ्ते, ये महीने, ये साल, जिंदगी हमेशा मुस्कुराते हुए गुजरे। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे, आमीन। कभी यूं जो हो किसी दिन अगर, कभी तुम मुझे सर राह मिली, मैं 1000 लम्हों को खींच कर ये जो चलता वक्त है बांध दूं, ये जो गर्दिशें हैं जमीन की उसी एक लम्हे पे रुकी रहें, मैं तका करूं तुम्हें जस से, यूं ही प्यार से, यूं ही इश्क से, तुम्हारी हर एक अदा को समेट लूं, मैं ही सारे जामे सजा रखूं, तुम ना कह सकी ना मैं कह सकूं, तुम जो दूर हो ना जिया करूं, कभी यूं जो हो किसी दिन अगर, मेरी शीरी तुम जो ना मिली, मैं 1000 धड़कनों को खींच कर ये जो चलता दिल है बांध दूं, ये जो सिलसिले हैं मेरी सांस के तुम्हारी दूरी में ही हार दूं, तुम जो पास हो तो जी सकूं, तुम जो दूर हो ना जिया करूं। बहुत शुक्रिया फिरोजा, क्या बात है, आपकी शायरी की कुर्बान जाए वाकई में, माशाल्लाह। आप कैसा बनाते हो, किस वक्त सोचते हो, किस वक्त बनाते हो, जिस तरह नींद में ख्वाबों में मुझे रेसिपीज़ नज़र आ रही होती हैं, मैं रेसिपीज़ के बारे में सोच रही होती हूँ, इस तरह आप, मुझे लगता है आप शायरी सोच रहे होते अपनी शीरीन आंटी के लिए, है ना। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, फिलिंग बेस हो गया। फिलिंग के लिए मैंने 3 अंडे की जर्दी ली, 3 अंडे की सफ़ेदी हमने फेंट के रख दी है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डाला है, 1 कप दही डालिए, हंग की भी, दही को हैंग कर लें, 2 कप दही को, उसमें से 1 कप निकलेगा, पानी वानी फेंक दीजिएगा, उसका जो निकलेगा, जो दही निकलेगी वो रखी हुई है। 3 अंडे की जर्दी इसमें चली गई, लेमन जूस 3 टेबलस्पून चला गया, और ये देखें आपको नज़र आ रहा है लेमन पील, नींबू का छिलका का ऊपर का, इतना इतना आपको वो करना है कद्दूकश कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको नींबू का नज़र आ रहा है अंदर का, वो सफ़ेद नहीं जाना चाहिए, वरना आपका पाए कड़वा हो जाएगा। ठीक है, ये चला गया। और मिल्काना का, जो कि इटालिया का ब्रांड है, इसका हम डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। ये जो डब्बे खाली होते हैं ना आपके, इनको फेंका नहीं करें, ये 1 पाव है। आप, हम चावल मेजर करते हैं, 1 डब्बा ले लो 1 पाव, दाल मेजर करते हैं, 1 डब्बा ले लो 1 पाव, समझ आई। ये डब्बे बहुत काम के होते हैं, इनको धो के संभाल के रखो।
एग वाइट, ना मज़े का होता है ये, मज़ा आएगा आपको। स्पैचुला से फोल्ड कर दें या लो स्पीड पे इसे कर दें। एक मिनट दे दो बच्चा, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लिया। अब थोड़ी सी क्रीम लिखना भूल गई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम डाल के मिक्स करें और इसमें हम डालेंगे इसको, और हम डाल रहे हैं इसको 180 पे बेक करने के लिए 30 मिनट के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा जी, हमारा चीज़ केक पाया चला गया है अवन में। एक डिश हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसका टेस्टिंग वही तरीका है कि आपने टूथपिक या स्क्वर या छुरी का एक हल्का सा, या आपके पास केक टेस्टर हो तो वो आपको डाल के और उसमें चेक करना है कि अगर ये साफ निकल आया तो इसका मतलब कि आपका हो गया है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वार्म सर्व कर सकते हो, वार्म भी इसको सर्व कर सकते हैं विद अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, बहुत अच्छा लगता है, या आप इसको ठंडा सर्व करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, हो गया। अब हम आ रहे हैं आज की दूसरी रेसिपी। पहले चूँकि ये भी बेक होगी तो मैं इसको सामने वाले अवन में डालूँगी, ग्रैटिन पोटैटोज़। फिर हम हैलपीनो चिकन पे आएंगे। ग्रैटिन पोटैटोज़ के लिए हमने आलू लिए थे 1/2 किलो, और आलू को लेके हमने इस तरह राउंड स्लाइसेस में काट के हमने आलू को हल्का सा ब्लांच किया है। ब्लांच क्या होता है, पानी गर्म करें, पानी जब उबाल आ जाए उसमें आपने ज़रा सा नमक डाला और आलू इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए आपने उसमें डाल दिए। 2 से 3 मिनट तक उसको उबाल आने दिया, खोलने दिया, दैट्स ब्लांचिंग, उसको हम कहते हैं ब्लांच करना। तो इसको हमने ब्लांच कर लिया 2 से 3 मिनट। आलू को गले नहीं है, लेकिन ये देखें ज़रा सा, आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ ज़रा सा हल्का सा खो रहा है, हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको 2 आउंस बटर में इनको मैं फ्राई कर, हमारा फेवरेट बटर लोर पाक का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा फरमाइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत एहसान है रब का, मालिक का मेरे जी। बोलिए क्या कहेंगी? बस इतनी सी मोहब्बत है आपस से। अच्छा, अब जब तक ये फ्राई हो रहा है, हल्का सा फ्राई करना है हमें ज़रा सा, फिर इस तरफ मैं मज़ीद 2 आउंस लूर पाक बटर लूँगी और इसकी मैं बनाऊँगी सॉस। ग्रैटिन पोटैटोज़ की मुझे सॉस बनानी है। लूर पाक का बटर,
ओके इसमें हम डालेंगे कुटावा लहसुन मक्खन में 1 टेबल स्पून हम डालेंगे गार्लिक क्रश्ड बड़े मज़े के पटेटो होते हैं ज़रूरी नहीं है आप इसको सिर्फ स्टेक्स के साथ बनाएं अगर आपके घर में रोस्ट चिकन बन रही है रान का सीज़न है आप रान रोस्ट बना रहे हैं उसके साथ आप ये पोटैटोज़ बना के रान के साथ सर्व करें बहुत मज़े का लगता है ठीक है अच्छा उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है आपका जानिए आपका अल्लाह का शुक्र है बेटा आप बताओ मैं ठीक हूँ और मुझे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं आपका शो भी बहुत प्यारा लग रहा है शुक्रिया बेटा सर जी बोलो बेटा आज की रेसिपी बहुत अच्छी है बनाना जरूर बहुत आसान है जरूर बनाना जी बिल्कुल बिल्कुल आज का कोई सवाल है नहीं मेरी जान आज का कोई सवाल नहीं ओके ठीक है बहुत शुक्रिया आपने कॉल की दो आउंस मक्खन उसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन डाला क्रश चॉप्ड कुटावा उसके बाद में 4 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज डाली उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा मैदे के बाद मैं इसमें डालूंगी दूध और मैदा जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून भर के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आपा कैसी हैं अल्लाह का बहुत शुक्र क्या कैसी तबीयत है आपकी अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह 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 बेहतरीन आपका चल रहा है पूरा ये वीक थैंक यू जी थैंक यू सो मच कल मैंने आपकी वो सिकंदरी बिरयानी बनाई थी कैसी बनी बहुत मजे की और देखें उसमें कुछ भी नहीं है 4 मसाले हैं बिल्कुल सिंपल और बहुत टेस्टी चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई सबको अम्मी को भाई को सबने बहुत शौक से खाया चले थैंक यू सो मच और वो आपकी हैदराबादी फिरनी भी बनाई थी मैंने परसों अच्छा वो भी बहुत मजे की बनी चले बहुत शुक्रिया आप लोग ट्राई करते हो पसंद करते हो थैंक यू सो मच अच्छा जी ये हमने आलू कर दिए यहाँ हमने निकाल लिया मैदा डाल के इसलिए इधर किया है कि मुझे इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें डालनी है ठीक है इसमें जाएगी सब में पहले आप देखें मैदे के बाद इसमें जाएगा सॉल्ट पेपर चिकन पाउडर हमारा इटालिया का चिकन पाउडर अच्छा चिकन पाउडर हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून ठीक है सॉल्ट एंड पेपर यहाँ इटालिया का सॉल्ट एंड पेपर मेरे पास मिक्स रखा हुआ है ये रहा
तो मुझे अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट एंड पेपर 1 टीस्पून जाएगा, सॉल्ट एंड पेपर चला गया इसमें 1 टीस्पून, चिकन पाउडर चला गया इसमें। अब इसमें मैं शामिल करूँगी दूध, और दूध के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। अच्छा, दूध हमें चाहिए इसमें 1 कप। ठीक है, दूध डाल दिया। दूध के बाद हमें इसमें डालनी है क्रीम 3/4 कप। क्रीम अलग है, सार क्रीम अलग है। मैं थोड़ी क्रीम इसमें डाल के फिर सार क्रीम भी आपके सामने बना रही हूँ। 3/4 कप पैकेट मैंने क्रीम डाल दी, और ये जो मेरे पास बची है, क्या बेटा, इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका, ताकि ये बन जाएगी हमारी सार क्रीम। ठीक है, और ये देखें बन गई सार क्रीम। अच्छा जी, मुझसे कहा गया है ब्रेक आ गई है, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया है, जाएं आप ब्रेक पे जाएं। इसको मैं पका रही हूँ, ठीक हो जाएगा, मैं वापस आके पूरा रिकैप करती हूँ। स्टे विद अस। अच्छा, आप गौर से सुन लीजिए, मैं बना रही हूँ ग्रेटिंग पोटैटोस। ठीक है, आधा किलो लिए मैंने आलू, ठीक है, उनको छीला, छीलने के बाद गोल स्लाइसेस में काट लिया, बहुत मोटे नहीं, दरमियानी स्लाइसेस में काटना है आपको। ये देखें, दरमियानी स्लाइसेस में आपको इसको काटना है। काटने के बाद आप इसको ब्लांच करेंगे, ब्लांचिंग का मेथड मैंने आपको समझा दिया। पानी गर्म किया, जब पानी खौल रहा है उसमें थोड़ा सा नमक डाला, स्लाइसेस करते हुए आलू के डाल दिए, और इसको 2 से 3 से 4 मिनट तक जोश दिया, उबाला, और फौरन से आपने निथार लिया। निथारने के बाद आपने लूरपाक का मक्खन लिया 2 आउंस, और उसमें आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। ठीक है, फ्राई करने के बाद आपने एक चकोर पायरेक्स की डिश ली, उसमें आपने ग्रीस किया उस डिश को मक्खन से ही लूरपाक के, और उस पर आपने ये आधी स्लाइसिस आलू की फ्राई की भी रख दी। यहाँ पे मैंने वाइट सॉस बनाई है। वाइट सॉस के लिए मैंने मक्खन लिया था अपना, इसी का लूरपाक का। ठीक है, 1 आउंस मैंने मक्खन लिया, उस मक्खन में मैंने शामिल कर दिया था मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा डाल, पहले मैंने डाला लहसुन 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 4 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज, दोनों को सॉटे किया, 2 से 3 मिनट सॉफ्ट हो गया, कलर चेंज हो गया। फिर मैंने उसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद मैंने उसमें 1 कप दूध डाला, 3/4 कप क्रीम डाली, सॉल्ट एंड पेपर इटालिया का मैंने शामिल कर दिया इसमें, और चिकन पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। ये सब चला गया। अब आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको चेडर चीज़ डालनी है, मैं चेडर चीज़ बाद में डाल दूँगी। मैं अभी इसमें पक्की क्रीम चीज़ जब मेरे पास है तो मैं ये शामिल कर रही हूँ इसमें। मुझे इसमें डालनी है चेडर चीज़ 1/2 कप, तो ये भी हम 1/2 कप डाल देते हैं। पक्की बेहतरीन चीज़ सॉसेस में डालें, स्प्रेड बना के खाएं, सैंडविचेस पे लगा के खाएं, डेजर्ट्स में डालें। ठीक है, ये हमने डाल दी 1/2 कप। ये हमारी बेहतरीन सी चीज़ सॉस रेडी हो गई, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने आलू लगा दिए इसमें नीचे, अब इसमें मैं वाइट सॉस जो हमने बनाई है चीज़ सॉस, वो स्प्रेड करूँगी।
इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी मुजरेला। आप बनाएं ये और फिर आप मुझे बताइएगा। मुजरेला ग्रेटेड, पार्सले, ये हरा धनिया नहीं है, ये पार्सले है, नहीं ये हरा धनिया है, सॉरी जी आपकी कॉल कट गई। अच्छा, सेकेंड लेयर ऑफ पोटैटो, ठीक है, फिर सॉस, फिर मोज़रेला, पार्सले या हरा धनिया, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हेलो जी बेटा, जी मैंने आपसे बात करनी थी, ये जो आप अभी पोटैटोस बना रही हैं, अभी मेरे पास अगर चिकन पाउडर अवेलेबल ना हुआ, ना डालें, कुछ भी ना डालें, तो फिर वो टेस्ट में तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं होगा, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है, बिल्कुल बना लें। थैंक यू सो मच, वेलकम मेरी जान। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे सार क्रीम, जिसमें थोड़ी सी क्रीम बचाई थी ना मैंने, क्वार्टर पैकेट, 3/4 तो अंदर डाल दी थी, क्वार्टर बचाई थी जिसमें मैंने सिरका मिला लिया था। अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ जो हमारे पास बची हुई चेडर है। बस, और अब इसको हम बेक करेंगे। अल्लाह मेरा वो भी हो गया है। हाँ ले लो बेटा, ब्रेक ले लो, मेरा वो हो गया है। ठीक है जी, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ आ गए हैं जो कि हम बना रहे हैं ग्रिल्ड हेलपिनो चिकन। आपको चाहिए इसके लिए 4 चिकन ब्रेस्ट फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड किए हुए हैं। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने इटालिया का गार्लिक पेस्ट, ओनली गार्लिक। One teaspoon, salt, 1 teaspoon, black pepper, 1 teaspoon. Salt and pepper mixed है ये इटालिया का, तो ये 1 teaspoon, soya sauce 1 tablespoon, hot chili sauce 1 tablespoon.
ये हमारी चिकन ब्रेस्ट का मैरिनेशन है। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट को फ्लैटन किए हैं, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेके और उसको स्टेक हैमर से आप फ्लैटन कर लें। ठीक है, ये हमने मैरिनेट करके रख लिया। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस, हैलापीनो सॉस। प्लीज़ ये जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से आप लोग कह रहे हो ना सॉसेस का, डिप्स का वीक करा दो, तो आप देखो अलग अलग मैं कितनी सॉसेस करा चुकी हूँ पिछले एक डेढ़ महीने में और करा ही रही हूँ। तो आप लोग ये सॉसेस और इसका एक अलग से कॉपी बना लो ना, और चीज़ें भी उसके साथ की बनती हैं। ओके, अब हैलापीनो सॉस के लिए ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। अब आप देख लीजिए, सब में पहले हम इसमें बटर डालेंगे, लूर पाक का। हाँ, हो जाएगा आराम से, बहुत टाइम है। यूरोपियन ब्रांड बटर लूर पाक बेहतरीन, हर जगह आपको आसानी से मिलता है। अगर आपके मुंह पे इसका, ज़बान पे एक दफ़ा इसका टेस्ट लग गया ना, आपको कोई मक्खन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, सारी चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने मक्खन, इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक क्रश्ड 1 टीस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, उसके बाद में हैलापीनोज, ये जो सिरके वाली मिर्चें आती हैं बॉटल में, हैलापीनोज डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून स्लाइस्ड। ठीक है, उसके बाद में हरी प्याज 1 चॉप्ड, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दूध 1 कप, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा 1 टेबलस्पून भर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि पिंडी बताऊं कि मैं पिंडी से कॉल कर रही हूँ या लाहौर से। नहीं नहीं, आप तो लाहौर आ गई है ना? जी जी बिल्कुल, मैं लाहौर से हूँ। मैं आप ही आपसे पूछ रही थी कि आपने जो ये अभी ग्रेटिंग पोटैटोस बनाए, आप इनको अगर हम चूल्हे पे बनाना चाहें बिल्कुल बनाए करेंगे आप बिल्कुल बनाए हाँ, चूल्हे पे कैसे बनेंगे ये? आप चूल्हे पे इस तरह बनाएंगे आप इसको कि आपने इसको फ्राई कर लिए, फ्राई करने के बाद आपने एक गहरा टाइप का फ्राई पैन लिया और उसमें आपने लेयर लगाई, नीचे आपने आलू लगाया, ग्रीस कर लिया, नीचे आलू लगाया, आलू के बाद सॉस डाली, चीज़ डाली, वो डाला हरा धनिया या पार्सली डाली, फिर उसी तरह लेयर लगा के आखिर में सार क्रीम चेडर चीज़ डाल के उसको तवे के ऊपर उस फ्राई पैन को रख के कवर करके हल्की आंच पे छोड़ दें 15 मिनट। ओके, और आप ये जो आपने वो बनाया है केक, उसको किस तरह करेंगे चूल्हे उसको पे? उसको तो आप पतीली में बनाएंगे, पतीली में आप नीचे स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर आपने ये पैन रखा चीज़ केक का जिसमें आपने बनाया है, कवर किया ढक्कन से और आपने उसको कर लिया। और पानी नहीं डाला ना आपने? नहीं, पानी नहीं डालेगा। अच्छा, आपका मैंने आपको भाई एक वो मैसेज देना है, किसी का मैसेज कन्वे करना है। हाँ। अब हम मेरी ना उस क्लास में एक फ्रेंड बनी थी राजदावाजी, तो वो कह रही थी कि भाई आपा ने मेरा शो पे नाम नहीं दिया, तो वो कहती थी मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ, तो आप आपको मेरा मैसेज देना कि वो मेरा नाम लें, मैंने
आपा से बहुत मिली थी, बहुत मोहब्बत से वो मुझसे मिली थी, लेकिन वो आपा को मैं याद नहीं हूँ अभी ना। आपको मैसेज कन्वे कर दूंगी। ये वो तो नहीं है जिन्होंने मुझे खत लिखा था और exactly. और इन्होंने मुझे जैनमाज और कुरान शरीफ का तोहफा दिया। अच्छा राशिदा, मुझे ठीक है राशिदा मेरी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा था उस दिन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा तोहफा दिया मुझे, जो कि सुमैरा ने मुझसे ले लिया कि मम्मी इतना प्यारा कुरान शरीफ है आप मुझे दें, सफ़र में पढ़ने के लिए छोटा है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिदा, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जो आपने मुझे ख़त में लिखी हैं सब दूर करे, आपको सेहत दे। थैंक यू सदा फॉर पासिंग द मैसेज, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया राशिदा, माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अगर आप हुंजा आना चाहें, हुंजा में तो हम ज़्यादा दिन इंजॉय करेंगे, एक ही दिन कुकिंग है, बाकी तो हम लेजेंड होटल में मज़े करेंगे, हुंजा घूमेंगे। अल्लाह ताला सेहत और आफियत के साथ हमें ले जाएं 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, ठीक है, हुंजा लेजेंड होटल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइएगा, बिकॉज मैं भी कभी नहीं गई हूँ हुंजा, मुझे भी बहुत शौक़ है देखने का। और 25-26 को वहाँ पे फूड फेस्टिवल है, और फिर 27 को हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे, और जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको डिस्काउंट होगा, और जो आ चुके हैं हमारी क्लास में, आपको सबको पता है कितनी स्पेशल होती है हमारी क्लासेस, खाना पीना, हमसे मिलना, तस्वीरें, ऑटोग्राफ्स, हर चीज़, कितना मज़ा आ रहा है ना। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। अच्छा जी, इस पे मैंने डाल दिया है, देखें इस पे मैंने क्या क्या डाला, हैलापीनोज डाल दी चॉप, हरी प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया, मक्खन डाल दिया, मैदा डाल दिया, हाँ डाल दिया, दूध डाल दिया, सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया। अब मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी और पारमेजियन चीज़, ये पारमेजियन चीज़ है 2 टेबलस्पून, और इटालिया का चिकन पाउडर। अब हम अपने हाथ में विस्क लेंगे और विस्क से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कुक करना, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इटालिया का 2 टेबलस्पून पोमेस ऑलिव ऑयल, जिसमें हम अपने मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट को पैन फ्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें, ठीक है, ये हमारी सॉस हो गई है, हमारी चिकन ग्रिल हो गई है, थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के लिए। थोड़ी सी दूर हट रही हूँ बिकॉज बहुत उड़ रहा है, बहुत चिकना हो रहा है आज। मेरा वो भी हो गया है, यू विल लव दिस, यू विल लव दिस, और स्पेशली ग्रेटिन पोटेटोज के साथ। अच्छा, अगर चीज़ डालनी है तो आप इस वक्त चीज़ ऊपर डाल दें, या सिज़लर में निकाल के ऊपर चीज़ डाल दें, वो मेल्ट हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोगों को चीज़ नहीं पसंद है, नहीं डालें।
ये दो सर्विंग्स हैं, दो चिकन ब्रेस्ट की एक सर्विंग होती है। चीज़ इतनी गरम गरम आपका है, ये मेल्ट हो जाएगी। चेडर डाली है मैंने, अच्छा बेटा एक मिनट दे दो मुझे। बाहर जाते हैं आप लोग ये खाने, आप सिर्फ ये सोचें दो दो हज़ार और तीन तीन हज़ार में। ज़रा सा ठंडा हो, मेरे पास टाइम नहीं है, ब्रेक है, ज़रा सा ठंडा हो तो ये ऐसा कतले निकलते हैं, ठीक है। ये देखें चीज़, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने देखा हमारा टेबल सज चुका है आप लोगों के लिए। तीनों चीज़ें कितनी आसान, सब कुछ इस वक्त आपके घर पे मौजूद है। इसमें से मैं जहाँ तक समझती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं होगी। शायद चीज़ ना हो तो मंगवा लीजिए, वरना पक्की बॉटल से काम चलाइए, लेकिन ज़रूर आज तीनों चीज़ें बनाइए और अपने बच्चों को सरप्राइज़ दीजिए कि देखो आज मम्मा ने क्या कारनामा किया है। प्लीज़ बनाइए। और इसके साथ अगर आप एक चीज़ और बना लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो क्या है? वो गार्लिक ब्रेड है, ठीक है। इसके साथ आप हैलापीनो ग्रिल्ड चिकन के साथ गार्लिक ब्रेड या गार्लिक बंस आप ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलें जी, आज दावत में बन रहा है फ्राई माश की दाल और मटन ग्रेवी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे हम मुलाकात करेंगे। कल जुम्मतुल मुबारक है, याद दहानी करती जा रही हूँ ताकि मुझे भी इसका थोड़ा बहुत अजर मिल जाए। सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह बाकिया, सूरह मुल्क, या आपका सब कुछ मगरिब के बाद या इशा के बाद ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।